हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का जीके बास्केट में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली कोई 25 सीरीज जो मैं करंट अफेयर्स का चला रहा था, उसका ये 6 सीरीज है। 5 सीरीज अब तक कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं नवंबर से सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है? तो आप लोग प्लीज करंट अफेयर्स का रिविजन जरूर करिएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स जो आ रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स जरूर आने वाला है। इसलिए प्लीज, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी आरओएआर हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी केवीएल DSSB, सभी में करंट अफेयर्स आता है। तो गाइज प्लीज मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ 101% आपको फायदा होगा, ठीक है गाइज? और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग ना लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको देखो यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ कि इस तरीके से सब्सक्राइब बटन होता है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ में एक बेल आइकन होता है, इसको भी स्ट्राइक कीजिएगा, तो आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए मैं आप अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, विच कंट्रीज होस्टिंग द 2017 इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। गाइज इसके ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पर देख रहे हैं मल्टीलेटरल मैरीटाइम, मैरीटाइम समझते हैं ना, मैरीटाइम बोलते हैं हम लोग वाटर बॉडी, ठीक है? यानी जो जो भी हमारे जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, जो एक्सरसाइज चलाई जा रही है वो किस लिए चलाई जा रही है, ताकि कोई डिजास्टर आता है, साइक्लोन वगैरह आता है, तो किस तरीके से हम लोग रेस्क्यू करना होगा जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का ऑपरेशन चलाया गया गाइस कहां पर, ध्यान रखना वो देश कौन सा है, वो देश है बांग्लादेश, ठीक है? आंसर क्या हमारा, आंसर है हमारा, आंसर हम क्या बोलेंगे, बांग्लादेश। तो याद रखना है, पहला क्वेश्चन होगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2017 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमन। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है? तो आपको ऑप्शन बताना है कि इनकी थीम क्या है। तो इससे पहले, चलने से पहले हम लोग आंसर के, हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए आप लोग को बोल रहा हूं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 नवंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या बना है कि वायलेंस अगेंस्ट, ठीक है, वुमन, इसका एलिमिनेशन करने के लिए जो डे मनाते हैं हम लोग, तो वो कब मनाते हैं, आंसर क्या होगा, 25 नवंबर, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि इसकी थीम क्या है। तो हम लोग थीम देखते हैं गाइस, थीम क्या होगा, सीधी सीधी हमको पता होना चाहिए भाई, इसमें क्या घुमाने फिराने वाले, एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमन एंड गर्ल्स, ठीक है? तो इसको प्लीज याद रखना कि लीव नो वन बिहाइंड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमन एंड गर्ल्स। ऐसे ही क्वेश्चन पॉपुलेशन डे की थीम का पूछा गया था यूपीपीसीएस, ठीक है, ध्यान रखना 2017 में। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइस अगले क्वेश्चन चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। डेमी लेनेल पीटर्स हैज बीन क्राउन द मिस यूनिवर्स 2017, शी हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो इसके ऑप्शंस आपके पास ये हैं, अब आपको बताना है कि आंसर क्या है। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि ये बात किसकी कर रहा है, मिस यूनिवर्स 2017 की बात कर रहा है, ठीक है? तो कौन जीता है, पहला क्वेश्चन क्या बना, डेमी ले नेल पीटर्स, चलो भाई ये जीती हैं, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि किस कंट्री से हेल्स करती हैं, तो आंसर क्या हमारा, साउथ अफ्रीका, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन ये तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स का खिताब, ठीक है, कौन सी भारतीय महिला ने सबसे पहले जीता है, तो वो आंसर क्या है हमारा, सुष्मिता सेन, यानी सुष्मिता सेन और लारा दत्ता है, इन दोनों लोगों ने अभी तक जीता है, यानी दो भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है? और अभी जो बात करते थे 2017 में किसकी बात की थी, हम लास्ट स्लाइड में देखा था, सॉरी लास्ट वीडियो में देखा था, हमने वर्ल्ड मिस वर्ल्ड की बात कर रहे थे, किसकी बात, मिस वर्ल्ड की, तो वो तो पता ही होगा, मानुषी छिल्लर, याद है ना? हाँ, तो मिस वर्ल्ड हमको कितनी मिली है, इंडिया से 6 मिली है, यूनिवर्स कितनी मिली है, 2 मिली है, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है? चलिए, रीता फारिया क्या थी, रीता फारिया पहली महिला थी, भारतीय महिला, जिनको क्या चुना गया था, मिस वर्ल्ड चुना गया था। तो मैं आपको देखो कई क्वेश्चन है साइड से आपको बता देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है हमसे कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च एन इंटेंसिव प्रोग्राम टू ट्रेन इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके ऑप्शन आपके पास ये हैं, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि पंचायती राज, यहां पर देख रहे हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो वीमन इलेक्ट होकर जा रही हैं उनको ट्रेन करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ने कौन सा प्रोग्राम चलाया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हो गया, ईडब्ल्यू आर, जिसे बोलते हैं इलेक्टेड वीमन रिप्रेजेंटेटिव,
टिप्स, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री चलाया, तो मेनका गांधी जो मिनिस्टर है किस मिनिस्ट्री के, सबको पता होगा, बता देता हूं, नहीं पता तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को। चलो भाई ये क्वेश्चन ये बन गया हमारा, एक क्वेश्चन हमने लोगों ने देखा, एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना, दो क्वेश्चन तैयार हो गए। अब आता है पंचायती राज की बात कर लेते हैं, तो सबको पता होगा पंचायती राज के बारे में, तो मैं स्लाइड से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पंचायती राज में आपने पढ़ा होगा कब आया था, 1959, ठीक है। डेट क्या थी, 2 अक्टूबर। चलो भाई इसके लिए कौन सी कमेटी बनी थी, सबको पता होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, इसने रिकमेंडेशन दिया था। चलो भाई ये पता चल गया। कौन से राज्य में सर्वप्रथम आया था, राजस्थान में, राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर। आपसे भी पूछ सकता है कि इसके बाद फॉलो वाई मतलब कौन सा दूसरा स्टेट था, तो वो क्या था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको साइड से कुछ चीजें बता दी, तो गाइस याद रखना। और भी जो चीजें हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस, जब इंडियन पॉलिटी का मैं आपको वीडियोस दूंगा ना, तो उसमें ये सारी चीजें होगी। चलिए इतना क्लियर होने के बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख रहा है कि गोपी ठोनाकल हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन एशियन मैराथन चैंपियनशिप, ही हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, कर्नाटका, उड़ीसा, मणिपुर, केरला। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस इसमें आपको कुछ नहीं, चीज याद रखना है कि मैराथन चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम, ठीक है, एक इंडिया इंडियन जीतता है जिसका नाम है गोपी ठोनाकल, ठीक है। आप पूछ रहा है किस स्टेट से बिलोंग करता है, स्टेट क्या है इसका, स्टेट है इसका केरला, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन भी हो गया, ये हमें पता चल गया, फर्स्ट इंडियन हो गया ये। चलो कहाँ से बिलोंग करता है, केरला से बिलोंग करता है, क्या जीता है, एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीता है। चलिए इतना याद रखना आप लोग को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन टू टेक ऑफ इन 2019। इसके ऑप्शंस आपके पास ये हैं, ठीक है, आपको बताना है आंसर क्या है। आदित्य L1, आदित्य LL, आदित्य L1, आदित्य XL एंड आदित्य X1। सबसे पहले तो याद रखना है कि आदित्य, ठीक है, किसका पर्यायवाची है, सबको पता है, सन का। चलो भाई तो आदित्य अगर लगा है तो यही हो सकता है। चलो ये तो मिशन का नाम हो गया। अब मिशन लॉन्च कब हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, तो 2019 में जैसा कि अनाउंस किया गया, ठीक है। चलो भाई ये दो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्या करने जा रहा है भाई, सन की जो आउटर लेयर होती है, करोना जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, तो उसका अध्ययन करने जा रहा है। और किसका अध्ययन करने जा रहा है, सन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने जा रहा है। चलो भाई ये भी हो गया, ठीक है। और भाई क्या है, तो आपको बताना है ये फर्स्ट मिशन है इंडिया का किसके लिए, सन का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट मिशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर हमने ये देख लिया, ठीक है। अब ध्यान रखना इसका नाम क्या है, आदित्य L1। L1 क्या है मैं आपको यहां बता देता हूं, इस तरीके से हमारा ये सन है और सन के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स होते हैं, इसमें एक अर्थ है। तो यहीं पर याद रखना कि अर्थ से यहां पर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी ऑर्बिट है जिसे बोलते हैं L1। तो वो क्या बताती है कि यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कुछ बैलेंसिंग कंडीशन में होता है, किसमें होता है, बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। तो यहीं पर इस सैटेलाइट को या इस मिशन को, मैं बोल दूं इस मिशन में सैटेलाइट होगा तो उसको सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना L1 मिशन का नाम क्या है, आदित्य L1 मिशन, ओके। तो यहां पर याद रखना आपको, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको साइड से, आपने देखा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस क्राफ्ट कितने केजी, 400 केजी का होगा, ठीक है। टू ऑर्बिट मिलियन, ये सब आने वाला नहीं है, आपसे ये पूछ सकता है, ध्यान रखना कि कौन से व्हीकल से जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने शायद स्किप किया था, ठीक है, याद रखना PSLV XL, ठीक है। तो याद रखना PSLV XL, तो याद रखना ये प्लीज, टू तरीके के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं हमारे, आप सबको पता होगा, एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो ध्यान रखना GSLV नहीं है, ये क्या है, PSLV, इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, किसी दिन साइंस के स्लाइड, साइंस का वीडियो अपलोड करूंगा तब बताऊंगा ये सब, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं, द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिटिशियन। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली। तो ये बोल क्या रहा है,
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है क्या। फर्स्ट आर्टिफिशियल, ठीक है, इंटेलिजेंस पॉलिटिशियन, मतलब ये क्या करता है बता दूं आपको, कि ध्यान रखना ये करता है कि आपको ये एजुकेशन, ठीक है, हाउसिंग, ठीक है, एजुकेशन हो गया हमारा, हाउसिंग हो गया हमारा, और इमिग्रेशन, तो इन इस तरीके की जो भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, उन स्कीम के बारे में लोगों को बताता है। तो फर्स्ट टाइम जो भी पॉलिसी होती है उनके बारे में बताता है किसको, पब्लिक को। तो ध्यान रखना एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ सॉफ्टवेयर है, जिसे बोलते हैं सैम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आर्टिफिशियल है। तो आंसर हमारा क्या है इस पे, याद रखना आंसर क्या होगा हमारा, साउथ अफ्रीका होगा, न्यूजीलैंड होगा, या फ्रांस होगा, या इटली होगा। जी बताएं कोई इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन हम देखते हैं हम। हु हैज वॉन द वीमन सिंगल टाइटल्स एट द हांगकॉन्ग सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपके पास ये हैं, तो आपको बताना है किसने जीता है। तो पहले क्या जीता है, ठीक है, पढ़ा करो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, क्या जीता है, हांगकांग सुपर सीरीज, चलो भाई ये पता चल गया। किसने जीता है तो सीधे सीधे आपको बता देता हूँ, चाइना, ठीक है। चाइना की कौन सी प्लेयर थी, चाइना की प्लेयर थी ताई जू यिंग, ठीक है। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन बन गया, कौन जीता, किस देश से थी वो पता चल गया, किसको हराया आपके ऊपर ही ऑप्शन है, किसको, पीवी सिंधु को, तो ये भी याद रखना। तो हमें दो तीन क्वेश्चन पता चल गया, एक मैं आपको साइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, इसमें भी आपकी पीवी सिंधु हारी थी, ध्यान रखना। तो भाई हारी थी फाइनल में, तो फाइनल में भाई किसने हराया था इनको, तो जापान की बैडमिंटन प्लेयर थी, ठीक है, इसको याद रखना प्लीज, ओकाहो नाम है जिसका, नोजोमी बोलते हैं, ठीक है। तो जापान की बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम क्या है, नोजोमी, नोजोमी याद रखो यार, ठीक है। इन्होंने हराया था किसको, पीवी सिंधु को। तो मैं एडिशनल आपको एक क्वेश्चन मैंने और बता दिया, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके ऑप्शन आपके सामने है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी हम बोल सकते हैं कि मेडिकल अनुसंधान परिषद, भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद की जिसके डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, तो यार अनिल माधव दावे, ये इनका तो डेथ हो गया है सबको पता है, ठीक है। ये कहाँ से, एमपी से थे, ठीक है, राज्यसभा सांसद थे। चलो इन्हें साइड से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब आता है कि इसका आंसर क्या है, तो आंसर क्या है इसका, सौम्या स्वामी नाथन, ठीक है, इसको प्लीज याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, एम स्वामीनाथन के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग, ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या फादर्स कहे जाते हैं, कौन, एम स्वामी नाथन, ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं कौन, स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन, तो इनकी ये पुत्री है, ध्यान रखना, सौम्या स्वामी नाथन, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ध्यान रखना ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो क्या करती है, मेडिकल रिसर्च यानी बायोमेडिकल क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है, किस क्षेत्र में काम करती है ये, आईसीएमआर, ध्यान रखना बायोमेडिकल क्षेत्र में काम करती है। चलो मैंने आपको बता दिया, इतना इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज वॉन द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स ऑनर्स। ऑप्शन आपके सामने है, विराट कोहली, पंकज आडवाणी, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन, या किदांबी श्रीकांत। तो यार ज्यादा कुछ मैं नहीं, सीधे सीधे आंसर चलता हूँ, आंसर बता देता हूँ आपको, कौन, किदांबी श्रीकांत, ठीक है। पता है इस बार उन्होंने ना इस सीजन में काफी टाइटल्स इन्होंने जीते, आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑस्ट्रेलिया जीता इन्होंने, कौन सा जीता, और इंडोनेशिया में लास्ट सीरीज, लास्ट आपका डेली को सीरीज में मैंने बताया था, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया इन्होंने जीता, डेनमार्क इन्होंने जीता, फ्रेंच इन्होंने जीता, तो भाई किसको दिया जाएगा, इन्हीं को दिया जाएगा, किदांबी श्रीकांत। लेकिन मैं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती इसका आंसर आप लोगों को देना है प्लीज, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हु हैज इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में बात किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, बात क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट, ठीक है, कहाँ हुआ था यार, फिर से बता देता हूँ, हैदराबाद में हुआ था। दूसरा पूछ रहा है कि इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेट किसने किया था यार, पीएम ने किया था, किसके साथ में किया था, सबको पता होगा, यूएस प्रेसिडेंशियल एडवाइजर, ठीक है, कौन,
आपको पता होगा इनकी पुत्री डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका नाम था इवांका ट्रंप, ठीक है, इवांका ट्रंप, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो इनके साथ में ना को इनॉग्रेटेड किया गया था, तो हमारे यहाँ से कौन, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट। अफगानिस्तान को ना इंडिया क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, तो ध्यान रखना कि भाई कितना फंडिंग कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आंसर सीधे सीधे याद रखो 2.87 मिलियन डॉलर। कितना, 2.87 मिलियन। क्या किस फील्ड में कर रहा है यार, ट्रांसपोर्ट फील्ड में कर रहा है, बसेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए वहां पर, ठीक है। तो इतना कुछ आने की जरूरत नहीं है, केवल इतना समझो कि 2.87 मिलियन डॉलर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 13 क्वेश्चन है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइन एंटी टेरर पैक्ट टू हेल्प ईच अदर इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। ऑप्शन आपके पास ये है, आपको बताना है आंसर क्या है, ठीक है। तो यूके, यूनाइटेड स्टेट, जापान या रसिया, आंसर होगा इसका क्या, रसिया, ठीक है। यूके समर्थ है भाई, ठीक है। यूनाइटेड, ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट, यूके, जापान और रसिया। तो ध्यान रखना, इंडिया से एक साइड तो क्या यूएस से अच्छे रिलेशन बना रहा है, यानी मैं बोलूं कि टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया से रिलेशन बना रहा है, तो रसिया भी पीछे क्यों हटेगा भाई। कोल्ड वॉर किस किसके बीच में था, यूएसए और रसिया के बीच में, तो रसिया भी सोच रहा है कि हम भी इंडिया साथ में पैक्ट करें। तो याद रखने का मैंने ट्रिक आपको बता ही दिया, ठीक है। क्या होगा आंसर, होगा हमारा रसिया, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर हु चेयरमैनशिप द 15th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपके पास ये हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया उसके चेयरपर्सन कौन है, बताओ जल्दी से यार, ठीक है। इसके मैं बता देता हूँ, इसके एनके सिंह, कौन है, एनके सिंह, प्लीज याद रखना। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ध्यान रखना कौन सा है, 15 15 में फाइव आ रहा है, यहाँ पर भी फाइव आ रहा है, तो इसलिए हम याद कर सकते हैं कि कौन सा फाइनेंस कमीशन होगा, 15 होगा भाई। कौन बनाया गया, एन के सिंह बनाए गए, चलो इतना याद। पिछले कौन है, वाई वी रेड्डी पूछ सकता है। पिछला कमीशन क्या था, 14 था, जिसकी रिकमेंडेशन कब तक चलेगी, 2020, यानी बोल सकते हैं 31 मार्च 2020 तक रिकमेंडेशन चलेगी किसकी, 14 की। और 15 की भाई कब चलेगी, 15 की इसके बाद, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके हमारा क्या 25 तक चलना है इसका, ठीक है। तो याद रखना कि 2 ईयर्स मिले हैं किसको, फाइनेंस कमीशन को, क्या अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए, ठीक है। तो गाइस प्लीज याद रखना, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के थ्रू गठित होता है, पता होगा आपको आर्टिकल 280, सब बात मैंने लास्ट वीडियो में किया था, तो प्लीज याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 15 क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन माउंटेन, सॉरी मॉन्यूमेंट हैज ऑफिशियली बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑप्शन आपके पास हैं, तो आपको आंसर बताना है इसका, आंसर क्या होगा कि भारत का ऐसा कौन सा प्लेस है जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सबसे ज्यादा विजिटेड प्लेस डिक्लेयर किया गया है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ विजिट हुआ है। तो बताएंगे आप लोग, ये एक बॉडी है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कहाँ पर, यूके बेस्ड है, लंदन बेस्ड, ठीक है, याद रखना इसको। तो इसने क्या कहा है, कहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिज्म है, यानी सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं, आपको बताना है। वो क्या है आपका, गोल्डन टेम्पल, ध्यान रखना गोल्डन टेम्पल। चलो गोल्डन टेम्पल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as India's G20 Sherpa for the development track of the G20 summit? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये वो शेरपा नहीं है, ध्यान रखना कि जो माउंट एवरेस्ट पर क्या करते हैं, समिट करते हैं, वो शेरपा नहीं है ये, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, वो शेरपा नहीं है। अब है क्या, मैं आपको बता दूं कि कंट्री का, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर दो आता है, एक आता है फाइनेंस ट्रैक आता है, मीटिंग का पार्ट है, और एक आता है डेवलपमेंट, क्या आता है, डेवलपमेंट। तो जब फाइनेंस का पार्ट हो, यानी फाइनेंस ट्रैक की कोई मीटिंग हो इंटरनेशनल लेवल पर, मैं बोल सकता हूँ G20 हो या G7 हो, इस तरीके से, तो यहां पर कौन पार्टिसिपेट करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं। चलो भाई फाइनेंस ट्रैक की बात हो गई, अब डेवलपमेंट की बात आती है तो कौन करता है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो डेवलपमेंट का शेरपा नाम दिया, क्या नाम दिया गया है, शेरपा, ठीक है। तो शेरपा करते हैं, ध्यान रखना, तो वो शेरपा कौन है, इसके पहले अरविंद पनगड़िया थे, और अब वो कौन हो गए हैं, शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास। तो मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस ट्रैक क्या होता है, डेवलपमेंट ट्रैक क्या होता है, ठीक है, और शेरपा क्या होता है, शेरपा एक ऑफिस है जो क्या करता है, इस तरीके की डेवलपमेंट वाली जो भी मीटिंग्स होती है इंटरनेशनल लेवल पर, जो भी कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन होता है, वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका जो आउटकम होता है, उसका जो आउटकम होता है
उसको क्या करते हैं, लीडर्स के सामने रखते हैं। जब लीडर्स की मीटिंग होती है तो उसके बिफोर क्या रखते हैं, जो हमारा आउटकम आता है। तो मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर दी गाइस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन में, देखते हैं क्या, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईयर इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है पूरी पूरी, तो इसको याद रख लेना सीधे सीधे कि आप पहले कौन थे, पहले थे राजीव बंसल, राजीव बंसल अब हट चुके हैं, तो कौन होगा भाई, प्रदीप सिंह, ठीक है। याद रखना क्या, प्रदीप सिंह खरोला, प्रदीप सिंह खरोला क्या है, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसके हैं, ईयर इंडिया के। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी हैज स्टार्ट इन व्हिच सिटी। तो गाइज यहां पर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, कि इंस्पायर क्या है। देखो यहां पर दिख रहा है ना इंस्पायर, तो इसका पहले फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करना है, इनोवेशन, किस क्षेत्र में इनोवेशन भाई, रिसर्च क्षेत्र में, सॉरी इनोवेशन एंड रिसर्च क्षेत्र में क्या करना है, इसको प्रमोट करना है, किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो आपको प्लीज याद रखना कि इंस्पायर प्रोग्राम जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली या जयपुर या पटना या इंदौर, आंसर होगा हमारे जयपुर, प्लीज, ठीक है। हम लोग इंस्पायर होते हैं, ठीक है, क्यों इंस्पायर होते हैं, क्योंकि राजस्थान से बहुत सारे आईएएस बनते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ से बनने लग गए हैं, ठीक है, पहले यूपी बिहार थे, अब राजस्थान से बहुत आईएएस बने लगे, तो हम इंस्पायर होते हैं किससे, राजस्थान से। तो ऐसे ही आप याद कर लो कि एनर्जी एफिशिएंसी के, एनर्जी एफिशिएंसी में इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर जो सिंपोजियम हुआ है ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अंडर हुज कैप्टेंसी इंडिया इंडियन मैंस नेशनल टीम हैज वॉन द 2017 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा इसका, इसके आंसर्स हैं आपके दीपक निवास हुडा, विशाल भरद्वाज, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी। तो ध्यान रखो बात किसकी हो रही, हॉकी फुटबॉल इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही कबड्डी, कबड्डी की जो टीम थी, यानी क्या हुआ है एशियन क्या, कबड्डी कप जो हुआ है उसको याद रखना, ठीक है। उसमें कौन जीता है, सबसे पहले तो बता दूं आपको, इंडिया जीता है। चलो भाई इंडिया हो गया, अब इंडिया ने हराया किसको है यार, हराया पाकिस्तान को है, ठीक है, इस गेम में तो इसी को हराने मजा आता है हमको, ठीक है। तो याद रखना क्या, पाकिस्तान को हराया है। चलो भाई अब इसके कैप्टन कौन थे भाई, कैप्टन थे अजय ठाकुर, ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है, कि कौन जीता, इंडिया जीती, किसको हराया, पाकिस्तान को, इंडिया कैप्टन कौन थे, अजय ठाकुर थे। आप आपसे पूछ सकते हैं कहाँ हुआ, तो यार गाइस याद रखना ईरान, कहाँ हुआ, ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द कोरिया टूरिज्म फेस्टिवल, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास ये हैं क्या, कर्नाटका, हरियाणा, केरला और उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा इसका, कर्नाटका, हरियाणा, केरला या उड़ीसा, आंसर होगा इसका हरियाणा, या लगना केरला नहीं होगा, बहुत सारे लोग केरला लगाएंगे, ठीक है, तो याद रखना केरला नहीं होगा, क्या होगा, हरियाणा इसका आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखो कोरिया में किसकी बात हो रही है, ये यार ये साउथ कोरिया की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया गए, नॉर्थ कोरिया तो नहीं आता है भाई, साउथ कोरिया ही आएगा, नॉर्थ कोरिया धमकी देता है केवल, ठीक है। तो याद रखना क्या, साउथ कोरिया। तो गाइस इस तरीके से हमारे ना 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्लीज अगर आपको ना वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, मेरी इस इनिशिएटिव में आप लोग पार्टनर बनिएगा। आई होप यू ऑल कि हाँ जितने भी एग्जाम्स हमारे हों सभी कैंडिडेट को फायदा पहुंचे और आप लोग पास हों, ठीक है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।